जय श्री राम, वंदे मातरम। जो भी ऑनलाइन है प्लीज आ जाइए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जेनरिक दवाइयाँ, हम और गरीबी, विकास, गरीबी, जेनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयाँ, ये आज का टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्लीज़ जो भी ऑनलाइन है आ जाइए, मैं इनवाइट भेज देती हूँ। अगर आप मेरी बात ये सुनेंगे और ये आवाज़ ऊपर तक जाएगी, तो हमारे देश से गरीबी बहुत हद तक सिमट जाएगी। हटाना तो अभी बहुत, लेकिन धीरे धीरे समेटनी है। ये जो हमने गरीबी फैला रखी है, क्या ये बहुत आसानी से समेटी जा सकती है? जनसंख्या हटाओ, जनसंख्या घटाओ, कंट्रोल करो उसके ऊपर, और बहुत सारी ऐसे कारण, छोटे छोटे कारण जो हमारे देश में गरीबी बढ़ा रहे हैं, हमारे देश में दुख बढ़ा रहे हैं, लोगों की तकलीफें बढ़ा रहे हैं, और जिनको हम बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। महंगा इलाज एक बहुत बड़ी कहानी है गरीबों की। हमारे यहाँ एक काम वाली काम करती थी, उसके बेटे को दस्त हो गए और वो दस्तों में चल बसा, क्योंकि 400 रुपये की दवाई थी और लॉकडाउन में उसको वो दवाई नहीं मिल पाई। 400 रुपये उसके पास, जेनरिक दवाई अगर उसको मिल जाती तो उसका बच्चा आज जीवित होता। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं आपसे इस बात को डिस्कस करूं। अगर हम ये बात ऊपर तक पहुंचा पाए तो हमारे देश में इस तरह की असामयिक मौतें जो हैं वो खत्म। विकास की बात बहुत करते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हम आसानी से कर सकते हैं, क्यों ना उसे करें। इसलिए मैं सबको इनवाइट भेज रही हूं, और जितने भी लोग ऑनलाइन आ सकते हैं प्लीज़ आइए। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए। बात ऊपर तक जाएगी तो ज़रूर हम कामयाब होंगे, और ये भी बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती है, और आप घर बैठे सेवा करने का ये मौका पा सकते हैं। और आज तो बहुत सारे जगह पर जन्माष्टमी आज भी मनाई जा रही है, हमारे यहाँ कल मनाई गई थी, तो बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा आप लोगों को अगर आप किसी की जान बचा पाए तो। सीमा खोरवाल मेरी प्यारी बहन, जय श्री राम। घनश्याम शेखावत जी, जय श्री राम। यूवी गुप्ता जी, जय श्री राम। बहुत से लोग आज भी जन्माष्टमी मना रहे हैं, मुझे पता है, हमने कल मनाई थी। और पतंगें उड़ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, वो काटे देखिए, मैं छत पर हूँ और ऊपर छतों से आवाज़ें आ रही हैं। अभी थोड़ी देर में मैं भी ऊपर जाऊँगी, और ये फूलों की सजावट जो है दिख रही होगी आपको, ये 5 अगस्त को करी गई थी, पूरे घर में करी गई थी। ये मैं आपको नीचे का सीन दिखाती हूँ, दिख रहा होगा शायद आपको, नहीं दिखेगा यहाँ से, नीचे जाकर दिखाऊंगी। और ये देखिए, ये छत तक पूरी सजावट करी गई थी। मैं ऐसे दिखाती हूँ, ये देखिए पूरी छत तक फूलों की सजावट है, शायद आपको यहाँ से नहीं दिख रही होगी। ये इस तरह के फूलों की सजावट तक पूरी करी गई है, और ये 5 अगस्त से लगातार है। और आप, हमने सोचा जन्माष्टमी के बाद ही इस सजावट को हटाएंगे। तो बात का टॉपिक है आज का, जो मैं दिल की बात आज आपसे करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी ये बात समझ में आए तो इसको ऊपर तक ले जाएं, दूर तक ले जाएं, इसको जितना स्प्रेड कर सकें करें, क्योंकि आपकी ये आवाज़ मेरी आवाज़ के साथ मिलकर बहुत सारे लोगों की जान बचा सकती है। जेनरिक दवाइयों के बारे में मैंने पढ़ा, हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी दुकानें बन रही हैं, खुल गई हैं, मेरे ख्याल 84 स्टोर खुल गए हैं जहाँ पर इस तरह की जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, लेकिन वो इतने दूर हैं कि हमारे देश की 0.5% आबादी को ही इसका लाभ मिल रहा है। जेनरिक दवाइयाँ क्यों नहीं बन रही, क्यों नहीं बिक रही? हमारे देश में बनी हुई जेनरिक दवाइयाँ 45,000 करोड़ की दवाइयाँ विदेशों में निर्यात की जाती हैं। जी हाँ, जेनरिक दवाइयाँ जो बहुत सस्ती होती हैं उसका फ़ायदा विदेशी उठा रहे हैं। हमारे देश में सस्ती दवाइयाँ बनाकर विदेश में निर्यात की जा रही है, कितनी? 45,000 करोड़ की दवाइयाँ। और उन दवाइयों का फ़ायदा जो हमारे देश के लोगों को, हमारे भाइयों को उठाना चाहिए, भारतवासियों को उठाना चाहिए, उसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? विदेशी उठा रहे हैं। तो क्या हम भारतीयों को उन दवाइयों का फ़ायदा नहीं मिल सकता? क्या हमारे देश में जेनरिक दवाइयाँ क्यों नहीं बन रही? इसमें मैं कहूँगी कि हमारी सरकार का थोड़ा सा ढीलापन है, क्योंकि किसी कंपनी
ऑर्डर ही नहीं है, वो दे आर नॉट कंपेल्ड, उनको दे आर नॉट बाइंड, उनको ये दवाइयों का उत्पादन करना ही करना है, इसका कोई भी सरकार से ऑर्डर नहीं है उनको, विदाउट ऑर्डर वो नहीं बनाएंगी क्योंकि उनका प्रॉफिट और मार्जिन कम होगा। जब भी उनको सरकारी अस्पतालों से या बड़ी सरकारी एजेंसियों से ऑर्डर आते हैं तब कंपनियां जेनेरिक दवाइयां बनाती हैं या फिर निर्यात के लिए जब ऑर्डर आते हैं तब कंपनियां जेनेरिक दवाइयां बनाती हैं, उन दवाइयों पर भी उतना ही खर्चा आता है बनाने में जो कि ब्रांडेड दवाइयां होती हैं। लेकिन जेनेरिक दवाइयों पर खर्चा क्यों नहीं आता, क्यों वो इतनी सस्ती होती हैं, क्यों सवा रुपये वाली दवाई 0.5 पैसा में मिल जाती है? इसका एक कारण है क्योंकि बहुत सारी जेनेरिक दवाइयों को पेटेंट कराने की कंप्लिसिटी नहीं है, उनको पेटेंट कराना अनिवार्य नहीं होता। बहुत सालों तक हमारे देश में बनी हुई दवाइयाँ पेटेंट कराने के लिए बाध्य नहीं थी, उन्हें बिना पेटेंट कराए ही बेचा जा सकता था। जैसे कि विदेशों में कोई दवाई बनी, उसका कुछ अच्छा इफेक्ट आ रहा है, तो हमारे देश की कंपनियाँ उसी सॉल्ट को यूज़ करके विदाउट पेटेंट उसको उत्पादन कर सकती थी, सरकारी उस पर कोई बाध्यता नहीं थी कि आप उसको उत्पादित नहीं कर सकते, सिर्फ सॉल्ट बेस पर। जैसे आपने देखा होगा एस्प्रिन मिलती है बाज़ार में, वो जेनेरिक दवाई है, वो कितनी सस्ती है, लेकिन ब्रांडेड कंपनियों ने उसकी डिस्प्रिन बना दी या फिर उसकी इकोस्प्रिन बना दी, वो ब्रांड करके उस दवाई को 10 गुना रेट कर दिया, उसका दवाई एस्प्रिन ही है लेकिन जेनेरिक नाम चेंज कर दिया। ऐसा क्यों किया जाता है? हमारे देश में अभी कोरोना आया, अनु अरोरा जी देख रहे हैं, मिहिर जी देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, क्योंकि मैं सोशल समस्याओं पर बात करती हूँ, आम जनता पर बात करती हूँ, इसलिए आप लोग सुनते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं क्या कह रही थी, जय सिंह जी, जय श्री राम जी, बहुत अच्छा लगता है, मैं रोक नहीं पाती आप लोगों को, और देखती हूँ रश्मीत कौर बिंद्रा जी, सत श्री अकाल जी, जय श्री राम जी, करण भाई मोहिवारा जी, जय श्री राम जी, पंडित ऋषि मिश्र जी, जय श्री राम जी, युवराज जी मेरे प्यारे भाई, कह रहे थे मथुरा आइएगा, आज नहीं आ पाई, लालच दे रहे थे, घनश्याम शुक्रवाल जी, जय श्री राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण कश्यप जी, पवन शर्मा जी, रमित गुप्ता जी, पी के भारद्वाज जी, जय श्री राम जी। मौसम में ना थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है, गर्मी कम हो जाती है अगर हम पंखा खोल लेते हैं, लेकिन मैं छत पर हूँ, जन्माष्टमी है और पतंगें उड़ने वाली हैं अभी थोड़ी देर में हमारी छत से ही, तो छत पर तो आना पड़ेगा, पसीना बहुत आ रहा है, लेकिन ठीक है। जेनेरिक दवाइयाँ डॉक्टर्स क्यों नहीं लिखते? अभी कोरोना आया तो हमने डॉक्टर्स को भगवान मानकर उनका स्वागत किया, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की, सब ने उनको नमन किया, वंदन किया, उनकी आरती उतारी, उनके लिए भगवान से दुआएं मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि वो भगवान का ही दूसरा रूप है। अब आप कहेंगे कि जब जेनेरिक दवाइयों से बहुत कम पैसे में इलाज हो सकता है तो डॉक्टर्स जेनेरिक दवाइयाँ क्यों नहीं लिखते? बिकॉज दे आर टैम्प्ड, उनको टैम्पिंग की जाती है, उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको लालच दिया जाता है कि आप ये दवाइयाँ लिखें, और उसके बाद वो दवाइयाँ कंपनियाँ भी इसलिए नहीं बनाती क्योंकि उसकी उसको केमिस्टों को रखने की पाबंदी नहीं है, केमिस्ट उनको रखने के लिए बाध्य नहीं है। अगर जेनेरिक दवाइयाँ सपोज किसी डॉक्टर ने लिख भी दी तो आपको किसी केमिस्ट के पास वो मिलेंगी नहीं, क्योंकि केमिस्ट को उनसे मार्जिन नहीं मिलता, कंपनियों से उनको उसका पर्क नहीं मिलता, इसलिए केमिस्ट नहीं रखते। अगर हमारी सरकार उन कंपनियों को बाध्य कर दे कि आप जेनेरिक दवाइयाँ बनाएं, केमिस्टों को बाध्य कर दे कि आप जेनेरिक दवाइयाँ रखें, हर केमिस्ट रखें और हर डॉक्टर को बाध्य करें कि वो जेनेरिक दवाइयाँ लिखें, तो जेनेरिक दवाइयाँ आसानी से हर किसी को हर जगह उपलब्ध हो सकती हैं। अगर आपको मेरी बातों में साक्ष्य नज़र नहीं आ रहा, अगर आपको लग रहा है कि शायद वर्षा के ज्ञान में कुछ खोट है या वर्षा ने अभी इसके बारे में ज़्यादा तहकीकात नहीं करी है, तो मैं आपको 2 सेकंड का वीडियो दिखाती हूँ। जेनेरिक मेडिसिन जिसको कहते हैं, अभी अंग्रेजी का शब्द है, इसको हिंदी में कैसे समझाएं? मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताता हूँ। तो ये जेनेरिक नाम जो दवा का जो मूल सॉल्ट है, जिसके अंदर जो दवा है उसका नाम है, केमिकल नाम, उसका केमिकल नाम है। अब जैसे और उदाहरण अगर सरल करके बताएं इसको, तो जैसे ये लड़की दुबली पतली सी नजर आती है।
करती है। तो मैं अगर डॉक्टर हूँ तो मैं इसको ये कहूँ एक ग्लास दूध सुबह एक ग्लास शाम को पिया कर। पर चिकित्सा के व्यवसाय में दुर्भाग्य से हम ये नहीं कहते कि आप भैंस का दूध लेके आइए, हम की भैंस का दूध लेके आना, यही ब्रांडिंग है। ये जब उसकी दुकान पे जाती है वो कहता है 500 रुपए लीटर है, लेना है कि नहीं लेना। तो जो 30 रुपए की चीज है वो 500 रुपए में मिलती है। तो अगर मैं डायबिटीज की दवा ले रहा हूँ और अगर मैं ब्रांडेड दवा लेता हूँ तो मुझे कितने की पड़ेगी? जैसे एक 117 रुपए में भी है, 117 रुपए में मिलती है। अब और अगर वही चीज हम उसके जेनेरिक मेडिसिन के नाम से लें तो वो कितने की बनती है? वो मात्र 1.95 रुपए में 10 गोली मिलती है। तो आपने सुना कहाँ 117 रुपए की एक गोली और कहाँ 1.95 रुपए में 10 गोली। इसी तरह आप कैंसर की दवाई लेने जाते हैं तो 1.25 लाख रुपए का एक पैकेट आता है जो एक महीने तक काम आता है। लेकिन अगर आप उसी की जेनरिक दवाई लेते हैं तो 6,500, 7,500 और 8,500 तक में वो दवाई 3 जेनरिक ब्रांड्स में आसानी से मिल जाती है। और उसकी भी उतनी ही वैल्यू है क्योंकि सॉल्ट सेम है। अगर कोई भी मेडिसिन को जरा सा भी जानता है, मेडिकल को जानता है, इस प्रोफेशन को जानता है, तो उसे पता होगा कि सॉल्ट है किसी भी दवाई की। अगर सॉल्ट सेम है तो 1 लाख रुपए वाली दवाई और 5,000 रुपए वाली दवाई में कोई फर्क नहीं है। ना तो ये कंपनियां ये दवाइयां बनाती हैं, ना केमिस्ट ये दवाइयां रखते हैं और ना ही ये डॉक्टर ये दवाइयां लिखते हैं। कमजोरी कहाँ? हमारे प्रशासन में, हमारी सरकार की थोड़ी सी लापरवाही हमारे देश से गरीबी हटाओ अभियान हटाने में नाकामयाब साबित होती जा रही है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये हमारे घर में हो चुका। मैंने आपको बताया कि हमारे घर में काम करती थी, उसका बेटा सिर्फ दस्तों में मर गया लॉकडाउन के दौरान, जबकि उसको कोई और बीमारी नहीं थी, 4 साल का बच्चा था, बहुत आसानी से बच सकता था। 400 रुपये की दवाई वो खरीद नहीं पाई और वही जेनरिक दवाई सिर्फ 125 रुपए की उसको बाजार से मिल सकती थी और उसका बच्चा आज जिंदा होता। हम लोग कितना सोशल वर्क करते हैं, कितना काम करते हैं, सरकार के साथ भी हैं और उसके बाद भी हम इतनी छोटी छोटी समस्याओं पर क्यों नहीं चर्चा कर पाते, क्यों नहीं बात कर पाते, क्यों नहीं सोशलाइज हो पाते? कोरोना की वजह से हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, मैं बात मानती हूँ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रखिए। जो भी बात आपके दिमाग में आती है, कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें ये बताया है कि ऊपर वाले की माया है, ऊपर वाले की अगर ताकत इतनी ज़्यादा है कि कोई भी कितना भी बड़ा करोड़पति और कितना ही छोटा गरीब व्यक्ति सभी बराबर हैं। जब वक्त की मार आती है, जब बीमारी की मार आती है तो किसी की नहीं चलती, सब कुछ बेकार हो जाता है। ये कोरोना ने हमें सिखाया है। और उसके बाद जब इस समय दवाइयों का अकाल पड़ा, बहुत सारी बीमारियों को या तो अस्पतालों में मरीजों को लिया ही नहीं गया, बिना इलाज के वो लोग रह गए, वंचित रह गए इलाज से, या फिर बीमारी के बाद उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दवाइयां खरीद सके, उससे भी लोगों की अकाल मृत्यु हुई। इस सब को हम रोक सकते हैं, आपकी थोड़ी सी कोशिश ही से रोक सकती है, अगर आप अपनी आवाज़ में इस बात को सोशल करें, सोशल मीडिया पर ले जाएं, ताकि हमारी सरकार तक ये बात जाए और जेनरिक दवाइयाँ जो कि विदेशों में बिक रही हैं, हमारे देश में बनकर विदेशी उसको सस्ते में खरीद रहे हैं, 45,000 करोड़ की दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ यहाँ से जा रही हैं, जिनको अगर ब्रांडेड वही दवाइयाँ खरीदी जाएँ तो कई खरब रुपये की वो दवाइयाँ यहाँ पर मिलें। इतनी दवाइयों का निर्यात किया जा रहा है, भारत में बनकर जा रही हैं विदेशियों के लिए, तो देशियों के लिए क्यों नहीं, हमने कौन से पाप किए? जय श्री राम। जय सिंह जी, सौरभ सिंह जी, जय श्री राम। अनुरुरा जी, जय श्री राम। मिहिर तिवारी जी, जय श्री राम। मयूर पंचाल जी, जय श्री राम। भारत माता की जय। रश्मित कौर बिंद्रा जी, जय श्री राम। जयचंद शरोन जी, जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका, जय श्री राम। भारत ब्राह्मण जी, जय श्री राम जी। प्रभु दयाल जी, जय श्री राम जी। कृष्ण कुमार जी, जय श्री राम जी। पूर्णिमा बहन, जय श्री राम, कैसी हैं आप? हिमांशु पाठक जी, जय श्री राम। मुकेश तलवार जी, जय श्री राम। राजेश सिंह राजेश जी, जय श्री राम। प्रमोद बेबले जी, जय श्री राम। संजीव शर्मा जी, जय श्री राम। सचिन गोयल जी, जय श्री राम। और नरेंद्र मोनवाल जी, जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी आवाज़ सुनी। रामचरितमानस जी, जय श्री राम। आपका तो रामचरितमानस, क्या बात है। बैजनाथ
मलकर जी जय श्री राम। थैंक यू जी, लेकिन मेरी बात का महत्व तभी होगा, मेरी बात में ताकत तभी आएगी जब ये बात जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ वहाँ तक पहुँचे, और इन जेनेरिक दवाइयों का, जो विदेशी हमारे देश में बनी हुई जेनेरिक दवाइयों का फ़ायदा उठा रहे हैं, हमारे देश के भारतीय भी, हमारे बंधु भी उसका फ़ायदा उठाएं, हम भी उसका फ़ायदा उठाएं। जगह जगह ये मैं कह रही हूँ आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी, सिर्फ़ और सिर्फ सरकार को ये करना है कि वो एक बंदिश लगा दे, एक ऑर्डर कर दे, लीगल हो जाए कि हर कंपनी को ये दवाइयाँ बनानी ज़रूरी हैं, बाज़ार में बेचनी ज़रूरी हैं, हर केमिस्ट के पास ब्रांडेड दवाइयों के अलावा जेनेरिक दवाइयाँ होनी ज़रूरी हैं, नहीं तो केमिस्ट की दुकान की वो जो इनको जो मिलता है ना, चलान मिलता है, वो छीन लिया जाएगा ये। और डॉक्टर्स को भी कंपल्सरी कर दिया जाए कि अगर वो ब्रांडेड दवाइयाँ लिखते हैं तो जेनेरिक दवाइयाँ उसका सप्लीमेंट ज़रूर लिखें, और मरीज को ये भी बताएं वो कौन से केमिस्ट के पास मिलेंगी, और जब सभी केमिस्ट के पास मिलनी शुरू हो जाएंगी तो उसको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इम्प्लीमेंटेशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश बहुत ज़्यादा अमीर देश नहीं है, और कोरोना के बाद तो इसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ढीली हो गई है। इस समय ये देश की ज़रूरत है, अगर सरकार जनता का जरा सा भी हित चाहती है, थोड़ा सा भी हित चाहती है, तो सरकार को आज ही ये कानून लागू कर देना चाहिए। और कंपनियों को इसको बनाने में जरा सा भी एतराज नहीं है, अगर कंपनियों को जरा सा भी एतराज होता जेनेरिक दवाइयाँ बनाने में तो निर्यात के लिए क्यों बनाती, सरकारी अस्पतालों के लिए क्यों बनाती, नहीं बनाती ना। तो कंपनियों को जेनेरिक दवाइयाँ बनाने में बिल्कुल भी एतराज नहीं है, जेनेरिक दवाइयाँ सस्ती इसलिए हैं क्योंकि इसका पेटेंट का खर्चा नहीं होता, इसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होता, इसके लिए पर्क्स देने के लिए केमिस्ट और डॉक्टर्स की जेबें नहीं भरनी पड़ती, सिर्फ इसलिए सस्ती होती हैं, उसकी गुणवत्ता में कोई भी फर्क नहीं है। मेरी बात मानिए, नहीं तो आपके आसपास कोई डॉक्टर हो उनसे आप पूछिए कि वर्षा ने ये बताया, क्या वो गलत बोली? नहीं बोली, मैं गलत नहीं बोलती, सच्ची नहीं बोलती। तो जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और इस नेक काम को आगे बढ़ाइए। जन्म उत्सव है कृष्ण जी का, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई मर रहा है, कोई व्यक्ति जो कि गरीब है और दवाइयों का बोझ नहीं उठा सकता, जेनेरिक दवाइयाँ मिलें, या आपको भी अगर आपके देश में जेनेरिक दवाइयाँ बनती हैं, आपको मिल सकती हैं, तो क्यों वो पैसे आप दूसरी चीज़ों में लगाएं, अपने बच्चों के ऊपर लगाएं, अपने माता पिता को खिलाएं पिलाएं, है ना, सही उपयोग करें उस पैसे का, किसी निर्धन की मदद करें, क्यों ब्रांडेड दवाइयाँ खरीदें जब उनका सेम रेट है। तो इस आवाज़ को आप आगे पहुँचाइए, और अपनी आवाज़ में भी इस बात को ज़रूर उठाइए, सरकार तक लेकर जाइए। बस यही है कि हम अपनी आवाज़ सरकार तक नहीं ले जाते, और सरकार बहुत सारे कामों में बिज़ी है तो सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं ही जाता। बस सरकार से यही प्रार्थना करनी है, जब जेनेरिक दवाइयाँ भारत में बनती हैं और भारत से कई हज़ार करोड़ की दवाइयाँ देश में बनी हुई निर्यात होती हैं, तो देशवासियों के लिए वो जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध करी जाएं, ये सरकार की ड्यूटी बनती है। समाजसेवी विशाल विसेना जी, बिसेन जी, जय श्री राम जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका तब और बहुत ज़्यादा स्वागत करूंगी अगर आप मेरी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसको आप लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं, जितने भी सोशल मीडिया हैं सब पर डालिए, सबको बताइए कि ये बहुत आसानी से सरकार देश में कर सकती है। और जिस तरह जेनेरिक दवाइयों का, हमारे देश में बनी जेनेरिक दवाइयों का फ़ायदा विदेशी उठा रहे हैं, विदेशी कंपनियां उठा रही हैं, उसी तरह हमारे देश के नागरिक भी बहुत ही आसानी से उठा सकते हैं। और आज तो जन्माष्टमी है, किशन जी को आपको दिया गया बहुत अच्छा उपहार होगा ये, है ना। सिर्फ पूजा पाठ करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भगवान कहते हैं मैं हर मानव के सीने में हूँ, मैं कण कण में हूँ, आप किसी की मदद करेंगे तो वो भी मेरी अर्चना ही होगी, धूप बत्ती दिखाकर फल फूल चढ़ाकर ही भगवान की अर्चना नहीं की जाती, भगवान की अर्चना करने का मकसद ही है मानव सेवा। मानव सेवा अगर आपके अंदर है, राष्ट्रहित आपके अंदर है, आप तन और मन से देश के और देशवासियों के हित के लिए सोचते हैं और काम करते हैं, तो भगवान आपके साथ है, आपको किसी एक जन्माष्टमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किशन जी आपके साथ हर दिन हर पल रहेंगे, यकीन मानिए मेरा।
सुरेश पांडे जी, जय श्री राम जी, सुनील जैन जी, जय जिनेन जी, जय श्री राम जी, समाज सेवी विशाल जी, अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, मैं ये कोई संदेश नहीं दे रही, मेरे दिल में एक छोटा सा विचार आया, एक बात आई, तो मुझे लगा कि मैं कोई भी बात जो मेरे को लगती है, मेरे दिल को छू जाती है, तो मैं सबके साथ शेयर करती हूँ। कोरोना में जब हम लोग लॉकडाउन में हो गए, घरों में बंद हो गए थे बिल्कुल 23 मार्च के बाद, तो 3 महीने तक हमने यही करा था। मैंने सोशल मीडिया पर एक परिवार बनाया, बहुत ही खूबसूरत परिवार, और हम लोग हर रोज़ जुड़ते थे। बाय चांस किसी दिन मैं लाइव नहीं आ पाती थी तो सब लोग मुझे बहुत मिस करते थे और पूछते थे कि आपको कुछ हो तो नहीं गया, आप ठीक हैं, आप लाइव क्यों नहीं आई। कोई नहीं, रात के 11 बज गए 12 बज गए, आप फिर लाइव आ जाइए। और इतना खूबसूरत परिवार इस कोरोना के समय में लॉकडाउन में बना, तो ये मेरे लिए तो लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा, कोरोना बहुत अच्छा रहा, मेरा परिवार विस्तृत हो गया, विशाल हो गया, और बड़ा परिवार किसको अच्छा नहीं लगता। इतने सारे प्यार करने वाले होते हैं, इतने सारे चाहने वाले होते हैं, आपका कुशल क्षेम पूछने वाले होते हैं, आपको कुछ हो तो नहीं गया, आप ठीक हैं, कितना अच्छा लगता है ना सुन के। तो बस एक दूसरे से जुड़े रहिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मत रखिए, दिल से दिल के तार जोड़े रखिए, एक दूसरे से जुड़े रहिए। आपकी एकता ही भारतवर्ष की मजबूती है, आपके देश की मजबूती है, आपके राष्ट्र की ताकत है। आप हैं तो देश है, आप हैं तो देशभक्ति है, आप हैं तो सरकार है, आप हैं तो हिंदुस्तान है, आप हैं तो जन्माष्टमी है। भगवान को भी भक्तों की ज़रूरत होती है, बिना भक्तों के भगवान भी अधूरा है, वर्षा भी अधूरी है, मैं भी कुछ नहीं हूँ आपके सिवा। तो आप सबका साथ चाहिए, आप सब प्यारा परिवार चाहिए, आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ में मिले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सबको बताइए, ताकि जल्द से जल्द ये आवाज़ सरकार तक जाए और सरकार को ये पता लगे कि हाँ कितनी आसानी से वो देशवासियों की मदद कर सकती है। और इससे हमारे देश का नाम भी होगा कि भारतवर्ष में बनी हुई जेनेरिक दवाइयाँ जो विदेशों में इतनी ज़्यादा कारगर हैं, वो देश में भी काम आ रही हैं। हमारे देश की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो आगे फलेगी फूलेगी। भारत में इलाज कराने के लिए बहुत सारे देशों से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलाज सस्ता है, और भी सस्ता हो जाएगा तो ये भी एक टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, मेडिकल टूरिज़्म को। और किसी भी तरह का टूरिज़्म किसी भी देश के लिए प्रॉस्पेरिटी लाता है, पैसा लाता है, उसकी इकोनॉमी को सुदृढ़ करता है। और कोरोना समय में अपनी इकोनॉमी को बेटर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था फूलेगी फलेगी और बहुत तरक्की करेगी अगर हमारे देश में मेडिकल टूरिज़्म बहुत बड़े पैमाने पर विस्तृत होगा, और कई हज़ार गुना खर्चा कम हो जाएगा मेडिकल का, दवाइयों का खर्चा कम होने पर। और मेडिकल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा फलेगा फूलेगा, दुनिया के हर कोने से लोग बाग इलाज कराने इंडिया आएंगे। तो ये सिर्फ देश हित के लिए नहीं है, देशवासियों के हित के लिए नहीं है, पूरे भारत की इकोनॉमी के लिए है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, आपके देश के लिए है, वर्षा के लिए नहीं, खाली मेरे लिए भी थोड़ा थोड़ा। तो प्लीज़ स्प्रेड कीजिएगा। और यहाँ पर बारिश आ गई है और मैं पतंग उड़ाने की सोच रही थी, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बूंदे नज़र आ रही हैं आपको, है ना। और मैं पतंग उड़ाना तब भी नहीं छोड़ूंगी, पतंग तो मैं फिर भी उड़ाने जा रही हूँ, क्योंकि ऊपर छत पर सब चले गए और मैं अकेली नीचे हूँ, नीचे वाली छत पर हूँ, अब मैं ऊपर वाली छत पर जा रही हूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा भी दम लगा हो, अगर आपको लगा हो कि मेरी बात राष्ट्रहित में है, देशवासियों के हित में है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, स्प्रेड कीजिएगा इस मैसेज को, और सरकार को कंपेल कीजिए कि बहुत जल्द हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक दवाइयाँ हर केमिस्ट शॉप पे मिलें, उसके लिए कोई स्पेशल दुकानें ना बने, हर केमिस्ट शॉप पे मिलें, और हर डॉक्टर जेनेरिक दवाइयाँ ही लिखे, हर कंपनी जेनेरिक दवाइयाँ बनाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत की बेटी अभी आपसे विदा चाहेगी, बहुत जल्द मिलते हैं, जय श्री राम, वंदे मातरम। देवराज जी, ज्योतिष लाल सिंह जी, जय श्री राम। नितिन तोमर जी, जय श्री राम। अंजना गाबा, मेरी प्यारी सखी, जय श्री राम। और कौन रह गया, सबके नाम ले लिया शायद मैंने, किसी का नाम ना लिया हो तो बताइए। यशवंत सेन जी, जय श्री राम, शायद आपका नाम नहीं लिया था, सॉरी जी। बजनाथ मक्कर जी, जय श्री राम। मुझे लगता है कि मैं सबके नाम ले लूँ, सबसे मिलूँ, परिवार आया इकट्ठा हुआ है तो क्यों ना सबसे मिलूँ। नरेंद्र जी, रामचरित